الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد برادران إسلام بحساري مسلمان नमाज़ अदा करने के बाद दुआ करने के लिए अलग से सुजूद का अहतमाम करते हैं बहुत सारे दुआ करने के ख्वाहिशमंद होते हैं दुआ करना अल्लाह से मांगना अल्लाह ताला को पसंद है अल्लाह उनसे नाराज़ होते हैं जून से जो उससे नहीं मांगता लिहाजा मांगने का अहतमाम करना चाहिए दुआ का अहतमाम होना चाहिए लेकिन दुआ के लिए अलग से सजदा करना ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बंदा जब सजदे की हालत में होता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़्यादा कबूल करते हैं बन नस्बत दीगर मौा और दीगर मौके के अल्लाह के नबीम ने फ़रमाया वह सजूद फ़ज तहीद के सजदे में कसरत के साथ तुम दुआ करो अल्लाह ताला यकीनन तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा सजदे में मांगी हुई दुआएं अल्लाह ताला कबूल करते हैं सुनते हैं लेकिन ये सजदे फराइज के सजदे हैं ये सजदे सुनन और नवाफिल के सजदे हैं सजदे के लिए अलग से दुआ के लिए अलग से सजदा करना सजदे का अहतमाम करना बहुत सारे मुसलमानों को देखा जाता है नमाज से फारिग होने के बाद सजदा करते हैं जब उनसे सवाल किया जाता है कि, कि किस कस्म का सजदा था तो वो जवाब देते हैं कि ये सजदा मैंने दुआ के लिए किया और समझते हैं कि इसके ज़रिए अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करेगा जबकि इस्लाम ने जो सजदे बयान किए वो या तो सजदे शुक्र है या तो सजदे तिलावत है तिलावत करते हुए जब सजदे से गुज़रता है तो सजदा किया जाएगा शुक्र का कोई मौक़ा आता है इंसान अल्लाह के लिए सजदा करता है तो सजदे तिलावत और सजदे शुक्र या सजद साह इसके अलावा कोई और सजदा साबित नहीं है अगर कोई मुसलमान दुआ के लिए सजदा करता है तो इसी सूरत में हम उससे कहेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस किस्म का सजदा नहीं किया आपने दुआ के लिए अलग से सजदे का अहतमाम नहीं किया जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कसरत के साथ अपने रब से मांगने वाले और मौाक़े को ग़नीमत जानने वाले तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब सजदा नहीं किया दुआ के लिए तो किसी मुसलमान के लिए ये सेवा नहीं देता कि वो दुआ करने के लिए अलग से सजदे का अहतमाम करे उसके अलावा ये बात भी यहाँ मलहूद होनी चाहिए कि दुआ के आदाब में ये बात बयान की गई है कि दुआ करते हुए इंसान अपने दोनों हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला खाली हाथ वापस करना उसको शर्म आती है शर्म महसूस होती है तो गोया के हाथ उठाकर दुआ मांगना मांगने के आदाब में से एक अदब है एक सलीका है लेकिन आदमी जब सजदा करता है तो गोया के जो अदब है वो अदब तर्क कर रहा है वो अदब छोड़ रहा है जब भी आदमी को मांगने की ज़रूरत पेश आए दुआ की हाजत पेश आए तो उसको चाहिए कि इतमान के साथ बैठ जाए कबीला रुख होकर अल्लाह ताला के साथ आज इसी और इनकसारे से मांगे और अपने दोनों हाथों को उठाए जब वो दोनों हाथों को उठाकर रब से मांगता है तो अल्लाह ताला यकीनन उसकी दुआ को कबूल करते हैं अगर अलग से सजदा करेगा मांगने के लिए दुआ करने के लिए तो ऐसी सूरत में ये जो अदब है बसा अवकात ये अदब उससे फौत हो जाता है छूट जाता है इसलिए ने कहा कि अलग से जो सजदा किया जाता है ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं इसलिए अलग से सजदा नहीं करना चाहिए अब्दुल सलाम और अबुल माली इमाम हरमैन और इसी तरीके से इमाम सयोथी और दीगर उलमा ने इसको बिदातों में शुभार किया इमाम अबू शामा रही और इमन अहाज अलमा लिखी और दीगर ने कहा कि अलग से जो सजदे करने का अहतमाम किया जाता है ये विदायत है इससे मुसलमानों को बचना चाहिए और यकीन जानिए जब सुन्नत के मुताबिक कोई बंदा दुआ करता है अल्लाह ताला से मांगता है तो अल्लाह ताली यक़ीन सुनता है और मांगने के लिए अगर मांगना है तो जो नवाफिल इंसान अदा करता है उसके सजदों में इंसान मांगे अल्लाह से जो सुन्नतों में सजदा करता है उनमें दुआ करे अल्लाह से फ़राइज के जो सजदे हैं उसमें अल्लाह ताला से मांगे दुआ करे अल्लाह ताला यकीनन उनकी दुआओं को सुनने वाला है और उनकी दुआओं को कबूल करने वाला है रब करीम से दुआ है कि अल्लाह ताली हम ही तोफ़ी फ़रमाए रब के मांगने की और अल्लाह ताली हम सबकी दुआओं को कबूल फ़रमाए आमीन व आखरदावाना الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته